आज मेरी शादी होने वाली थी। मेरा नाम कोमल है, मैं एक आम मिडिल क्लास लड़की हूँ। मेरी शादी शहर के सबसे रईस इंसान राजीव सक्सेना के साथ होने जा रही थी। इस शादी के लिए राजीव के घर वाले राजी नहीं थे। वह अपने बेटे की शादी किसी रईस लड़की से करवाना चाहते थे, पर राजीव इस बात पर अड़े रहे कि वह मुझसे ही शादी करेंगे। घर का माहौल कुछ खास अच्छा नहीं था, क्योंकि ससुराल वाले मुझे स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। पर राजीव मुझसे मोहब्बत करने लगा था, वह हर हाल में मुझे पाना चाहता था। रहा सवाल मेरा, तो मेरे दिल में ऐसी कुछ भी बात नहीं थी। मैं कुछ सीक्रेट वजह से राजीव के साथ जुड़ी थी। राजीव मुझे पसंद आ गया था। जब उसने शादी के लिए प्रपोज किया था तो मैंने हाँ कर दिया था। पर मैं राजीव से शादी के लिए इसलिए तैयार नहीं हुई थी कि वह रईस इंसान है। मुझे पैसों का कोई लालच नहीं था, पर उनके घर वालों को ऐसा लगता है मेरे बारे में कि मैं उनकी प्रॉपर्टी के लिए उनसे शादी के लिए हाँ की है। खैर, मेरे घर वालों ने सारी तैयारी कर दी थी। शादी बहुत धूमधाम से होने वाली थी, जिस वजह से राजीव ने ही सारा अरेंजमेंट अपनी ओर से करवाया था। और शादी के बाद मैं अपने पति के साथ उसके घर आ गई थी। उसका घर एक 8 मंजिला मकान था, जहाँ वह अपने मम्मी पापा और अपनी बहन के साथ रहता था, और बाकी घर के नौकर जाकर उसके साथ रहते थे। जब पहली बार मैं अपने ससुराल में कदम रखी तो घर देखकर मेरी आंखें चौंधी आ गई थी। 5वां फ्लोर राजीव का था। मैं अपने कमरे में आ चुकी थी। हमारे कमरे को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। इस फ्लोर में राजीव ने अपना खुद का ऑफिस और जिम भी बना रखा था। सुबह जिम इंस्ट्रक्टर आकर हम दोनों को ट्रेनिंग देने वाले थे। नई दुल्हन की तरह मैं भी अपने पति का इंतजार कर रही थी। तभी राजीव कमरे के अंदर आए। मैंने एक बहुत ही कीमती लहंगा पहन रखा था और मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैं काफी लंबी और अच्छे फिगर वाली लड़की हूँ। शादी के लिए यूं तो मेरे पास बहुत प्रपोजल आए थे, पर न जाने क्यों मुझे राजीव पसंद आ गया था। वह मुझे देखकर मुस्कुराने लगा और मेरे पास आकर बैठ गया। उसने मेरा हाथ थाम लिया था और मुंह दिखाई के तौर पर मुझे एक बहुत ही महंगी डायमंड नेकलेस दी। मैं उस डायमंड नेकलेस को देखते ही रह गई थी। नायाब हीरो से बना हुआ था, करोड़ों की कीमत होगी। राजीव मेरी चेहरे की चमक को भांप लिया और कहा, तुम्हें लगता है नेकलेस बहुत पसंद आया है। मैं मुस्कुराकर उसके गले लग गई। मैंने कहा, बहुत खूबसूरत है राजीव, थैंक यू। उसने तुरंत अपने हाथ मेरे गालों में रख दिए थे और मेरे होठों को चूमने लगा था। कहा, कल हमारे लिए बहुत खास दिन है। कल पापा हमारे प्रॉपर्टी का हिस्सा मेरे नाम करने वाले हैं। मेरी शादी के बाद अब सारी जायदाद मुझे मिलने वाली है। मैं उसका हाथ थाम कर कही, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। बस तुम यूं ही मेहनत करते रहो और तरक्की हासिल करते रहो। उसने कहा, अगर तुम साथ दोगी तो मैं कुछ भी हासिल कर सकता हूँ। मैं राजीव के साथ ही काम करती हूँ। मैं उसकी पर्सनल असिस्टेंट कम बॉडीगार्ड हूँ। राजीव कहा, मुझसे रहा नहीं जाता। मैं तुम्हें अभी इसी वक्त अपना बनाना चाहता हूँ। वह मेरे करीब आ गया और मुझसे प्यार करने लगा। लेकिन कुछ ही देर में कमरे का नज़ारा बिल्कुल बदल गया था। चादर में खून फैला था, मेरा खून था। मेरे पति डर के मारे कांपने लगा। शायद मेरी शादी की पहली रात आखिरी रात बनने वाली थी। राजीव मुझे देखकर चीखने लगा। मैंने कहा, तुम्हारे लिए सब दर्द सह लूंगी। मेरा पति करीब आकर कहा, तुम्हें मैं मरने नहीं दूंगा, और मेरे होठों को चूमने लगा। फिर मुझे उठाकर अस्पताल के लिए निकल पड़ा। जब उसके घर वालों ने मेरा हाल देखा तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। पूरे घर पर भगदड़ मच चुकी थी। ऐसा हंगामा फैला था कि उनको देखकर मुझे ही शर्म आने लगी थी। वह जल्दी से मुझे अपनी गाड़ी में बैठा लिया और घर के सबसे पास वाले अस्पताल में पहुंच गया। यह बहुत ही बड़ी अस्पताल थी। रईस लोग ही यहाँ ट्रीटमेंट करवाने आते हैं। पहले तो मुझे वह तुरंत ही इमरजेंसी रूम में लेकर चले गए। मुझे देखकर अस्पताल में भी भगदड़ मच चुकी थी। डॉक्टर ने जब मेरा हाल देखा तो उनकी चीख निकल गई, क्योंकि मेरे पैरों के बीच से खून। दोस्तों, ऐसी रोचक कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हुआ यूं था कि मैं कुछ जरूरी मिशन पर थी। एक गुप्त नौकरी करती थी और एक सीक्रेट मिशन में लंदन जाने वाली थी। उसी फ्लाइट में मुझे राजीव मिला था। वह भी उस वक्त लंदन जा रहा था। मुझे उसकी बगल वाली सीट मिली थी और फ्लाइट में ही हम दोनों के बीच में थोड़ी बहुत बातें हुई थी, क्योंकि 5 घंटे का लंबा सफर था। अपने काम के बीच में हम थोड़ा बहुत बातें कर रहे थे।
वही मेरी और राजीव की पहली मुलाकात थी और लंदन पहुंचते ही हम दोनों एक दूसरे से अलग हो गए थे। मैं जिस होटल में रुकी हुई थी वहीं अचानक मेरी मुलाकात फिर से राजीव से हो गई। मैंने उससे कहा, कहीं आप मेरा पीछा तो नहीं कर रहे? वह हंसने लगा और कहने लगा, कहीं तुम मेरा पीछा तो नहीं कर रही? मैंने हंसकर कहा, हाँ मैं आपका पीछा कर रही हूँ। फिर मैंने कहा, मैं अपने ऑफिस के कुछ काम से यहाँ पर आई हूँ। और आप? उसने कहा, मैं भी अपने बिजनेस के काम से ही आया हूँ, पर मैं भी लंबे समय के लिए लंदन में रुकने वाला हूँ। यह बात कहते हुए उसके चेहरे पर मुझे एक परेशानी साफ नजर आई थी। मैंने कहा, आप कुछ परेशान लग रहे हैं, आप फ्री हो तो मेरे साथ एक ड्रिंक ले, शायद आपको अच्छा लगेगा। उसने हंसकर कहा, जरूर जरूर, कहकर हम अपने अपने काम में लग गए थे। इत्तेफाक यह थी कि हम दोनों का कमरा भी आसपास ही था। राजीव ने अपना काम खत्म करके मेरे कमरे में नॉक किया। मैंने दरवाजा खोला तो वह अंदर आ गया। कहा, मैं आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? मैंने कहा, मेरा काम खत्म हो गया है और मैं बोर हो रही हूँ। मैं यही सोच रही थी कि थोड़ा लंदन घूम लूँ, पर मैं ऑफिस ट्रिप से आई हूँ और मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं है, तो लगता है मुझे चलकर ही घूमना पड़ेगा, कहकर मैं हंसने लगी। उसने कहा, मैं भी बोर हो रहा हूँ, चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें घुमा दूंगा, मेरे पास गाड़ी भी है। मैंने कहा, आपका खामखा खर्चा हो जाएगा। उसने कहा, मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, इतने छोटे मोटे खर्चे का परवाह नहीं करता। मैं उसकी तरफ देखने लगी थी और उसके बातों का कोई जवाब नहीं दे रही थी। उसने कहा, क्या बात है, परेशान क्यों हो? अरे ठीक है, इंडिया जाकर तुम मुझे ट्रीट दे देना, अभी मेरी ट्रीट चलो। हम दोनों साथ लंदन घूमने निकल गए थे और हमारे वह 5 दिन यादगार बनकर रह गए। हम लंदन के हर गली नुक्कड़ में घूमने लगे थे, पर वक्त आ गया था कि मुझे वापस जाना था। मैंने कहा, राजीव तुम्हारे साथ वक्त बिताकर मुझे बहुत अच्छा लगा, पर मेरे यहाँ का काम खत्म हो गया है, लेकिन हाँ मेरी ट्रिप ड्यू रही। तुम कब इंडिया जा रहे हो बताओ, मैं तुम्हें ट्रिप दे दूंगी। उसके चेहरे में मुझे एक फिर से परेशानी नजर आई। अचानक मैंने उसके हाथों पर अपना हाथ रख दिया और कहा, राजीव तुम काफी परेशान लग रहे हो, अगर बुरा ना मानो तो मेरे साथ शेयर कर सकते हो, मैं मामूली लड़की दिखती हूँ पर शायद मैं तुम्हारे काम आ जाऊँ। वह हंसने लगा, कहने लगा, तुम मेरे क्या काम आओगी? मैंने कहा, मुझे चींटी मत समझो, तुम अपनी परेशानी बताओ तो फिर देखो मैं कैसे सॉल्व करती हूँ। राजीव मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, इंडिया में मुझे लाइफ थ्रेट मिल रहे हैं जिस वजह से मैं लंदन आ गया हूँ। मेरे पापा चाहते हैं कि मैं यहीं रहूँ जब तक उन लोगों का पता न चल जाए जो मुझे जान से मारना चाहते हैं। मैंने कहा, इसका तो बहुत इजी सोल्यूशन है। मेरी तरफ देखने लगा तो मैं मुस्कुरा कर कही, तुम मुझे अपना पर्सनल सेक्रेटरी की जॉब पर रख लो। उसने कहा, क्या फायदा होगा? मैंने कहा, मैं कराटे जानती हूँ, तुम्हारी पीए होने के साथ साथ तुम्हारी बॉडीगार्ड का भी काम करूंगी, तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा पाएगा। मेरी बात सुनकर राजीव जोर जोर से हंसने लगा। कहा, मेरे पास अपनी बॉडीगार्ड की पूरी टीम है और तुम कराटे चैंपियन मेरा बॉडीगार्ड बनना चाहती हो? अगर हमलावर के पास बंदूक हुआ तो क्या करोगी? मैंने कहा, तुम ना मेरे टैलेंट पर ट्रस्ट नहीं करते, बहुत बुरे इंसान हो। अचानक वह सीरियस हो गया और कहने लगा, मैं ट्रस्ट करना चाहता हूँ किसी लड़की पर जो मुझे संभाल ले। मैं अपना इतना बड़ा बिजनेस तो संभाल लेता हूँ, पर मैं चाहता हूँ मेरी जिंदगी में भी कोई हो जो मुझे संभाल ले। उसकी बात सुनकर मैं उसकी तरफ देखने लगी थी और कहा, राजीव तुम्हें जल्दी ही ऐसी लड़की मिल जाएगी, मुझे पूरा भरोसा है, तुम बहुत अच्छे इंसान हो और तुम्हें भी देखना एक अच्छी लड़की मिलेगी। फिर मैं उठकर अपना सामान पैक करने लगी थी। मैंने कहा, तुम्हारे साथ बिता कुछ दिन मुझे बहुत अच्छा लगा, पर अब मैं यहाँ और नहीं रुक सकती, मुझे वापस अपने देश जाना है। उसने मुझसे पूछा, तुम्हारी कितने बजे की फ्लाइट है? मैंने कहा, कल सुबह 10 बजे की फ्लाइट है, मैं अगले दिन ही वापस अपने देश आने के लिए निकल चुकी थी। फ्लाइट में बैठकर मुझे काफी उदासी महसूस हो रही थी, मैं बस राजीव के बारे में ही सोच रही थी। तभी मेरे सामने आकर कोई मेरी बगल वाली सीट पर बैठ गया। पहले मैंने उसकी ओर मुड़कर नहीं देखा था, अपने मोबाइल में ही बिजी थी। अचानक मेरे बगल में जो बैठा था उसने मुझसे कहा, हेलो मैम कैसी है? मैं चौंक उठी और जैसे ही उसकी तरफ देखा तो राजीव मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। मैंने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो लंदन में ही रहने वाले थे ना? उसने कहा, मैं डर कर यूं लंदन में नहीं बैठ सकता, और ऐसे भी अब मेरी हिफाजत के लिए मेरी पर्सनल सेक्रेटरी है ना। मैं उसकी तरफ देखने लगी तो कहा, क्यों
तुम्ही तो कह रही थी मेरी हिफाजत करोगी कराटे चैंपियन, अब क्या हो गया, डर लग रहा है? मैंने कहा डर मेरे अंदर है ही नहीं, मुझे तुम्हारी यह जॉब मंजूर है, बताओ कब से ज्वाइन करना है? उसने कहा अभी से, आज से ही तुम मेरी पीए हो और जब तक मेरे ऊपर खतरा नहीं टल जाता तुम मेरे घर पर ही रुकोगी। तुम्हारे पेरेंट्स को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? मैंने हंसकर कहा, नहीं उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, मैं जो चाहती थी मुझे मिलने वाला था, मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश थी, मैं जिस सीक्रेट मिशन में थी उसके लिए मुझे राजीव के करीब रहना बहुत जरूरी था और यह सब कुछ प्लान्ड था, राजीव से बार बार यूं मिलना कोई इत्तेफाक नहीं था, एक ही फ्लाइट एक ही सीट आसपास होटल के कमरे सब प्लान्ड था और राजीव मेरी जाल में फंस गया था। हाँ आज की फ्लाइट उसी ने बुक करवाई थी, मैंने राजीव को अपनी फ्लाइट और अपने सीट नंबर बताई थी, शायद उसने जानबूझकर ही मेरे साथ सीट बुक किया हो और अब मुझे वह मिलने वाली थी जो मैं चाहती थी, राजीव के पीए का जॉब। राजीव को मेरी सच्चाई नहीं मालूम थी, मैं रहस्य वाली बात उसे नहीं बताई थी, लेकिन जब मैं राजीव के घर गई तो राजीव ने अपने परिवार वालों से मुझे मिलवाया था और कहा था कि यह मेरी पीए है और मेरे साथ ही रहेगी। उसके पापा इस बात से बहुत परेशान लग रहे थे कि इस देश में खतरा होने के बावजूद भी राजीव यहाँ पर आ गया है। मैंने नोटिस किया था कि उसकी माँ और बहन इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थी कि राजीव यहाँ पर वापस आ गया। जितना मैं राजीव का इन्फॉर्मेशन निकाली थी उसकी सौतेली माँ थी, उसकी सगी माँ के साथ उसके पापा का तलाक हो गया था क्योंकि उसके पापा उसकी सौतेली माँ के साथ रिश्ता बना बैठे थे। तलाक के बाद उसने इस औरत से शादी कर ली थी पर राजीव को उसकी माँ के पास ना भेजकर अपने पास रख लिया था। राजीव ने फिर मुझे यह सारी बातें खुद बताई। उसकी बहन भी उसकी सौतेली माँ की ही बेटी थी। राजीव उस वक्त 10 साल का था जब उसकी बहन पैदा हुई थी। दोनों भाई बहन के बीच में 10 साल का गैप था। मैंने कहा तुम्हारी सौतेली माँ इस बात से खुश नहीं है कि तुम यहाँ वापस आ गए हो, ऐसा क्यों महसूस किया मैंने? राजीव ने इस बात को टाल दिया और मुझे कोई जवाब नहीं दिया, कहा तैयार रहना मैं तुम्हें अपनी सगी माँ से मिलवाऊंगा। मेरा यहाँ आना शायद राजीव की सिक्योरिटी पर्सनल को भी पसंद नहीं आया था। जब भी हम दोनों साथ में वक्त गुजारते तो वह सिक्योरिटी वाले हमेशा आसपास ही रहते थे और मुझ पर नज़र बनाए हुए रखते थे, जैसे कि उन्हें मुझ पर शक है कि मैं ही वह थ्रेट हूँ जो राजीव की जान लेना चाहता है। राजीव मुझे अपनी माँ से भी मिलवाने लेकर गया था, उसकी माँ को भी मालूम था कि उसकी जान को खतरा है। उसकी सगी माँ ने दोबारा कभी शादी नहीं की थी और अलग अपार्टमेंट में रहती थी, मुझे देखकर बहुत ही अजीब निगाहों से मुझे घूर रही थी। मैंने कहा तुम माँ बेटे को मैं अकेला छोड़ देती हूँ, मैं बाहर इंतजार करती हूँ, कहकर मैं बाहर आ गई थी। जैसे ही मैं बाहर निकली राजीव की माँ ने उससे कहा तुम इस लड़की पर कैसे ट्रस्ट कर सकते हो, तुमने इसका बैकग्राउंड तो चेक करवाया है ना, तुम्हारे जान को खतरा है और तुम्हारे थ्रेट मिलने के बाद ही लड़की तुमसे मिली है, कहीं इसने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की तो? बेटा तुम बहुत भोले इंसान हो, किसी पर भी विश्वास कर लेते हो, मुझे यह लड़की बिल्कुल भी ठीक नहीं लगती, उसकी आंखों में ही रहस्य छुपा है, जिस तरह से मुझे और घर को देख रही थी लड़की को ज़्यादा ही चालाक नजर आ रही है। राजीव ने कहा मैं उसका बैकग्राउंड तो चेक नहीं किया माँ, लेकिन यह लड़की बहुत अच्छी है, मैं यह अच्छे से कह सकता हूँ, बहुत ही हसमुख है और मैं इसके साथ खुश रहता हूँ। उसकी माँ ने मुझे भी खाने पर बुला लिया पर शायद उसकी माँ भी मुझसे खुश नहीं थी और मुझसे सवाल पूछने लगी थी कि तुम कहाँ जॉब करती थी पहले और तुम्हारे मम्मी पापा क्या करते हैं। मैंने कहा मेरे पापा पुलिस इंस्पेक्टर हैं और थाने पुलिस स्टेशन में पोस्टेड हैं। मेरी यह बात सुनकर ऐसा लगा कि उसकी माँ ने राहत की सांस ली। मैंने कहा और मेरी माँ सरकारी स्कूल की टीचर है, मैं एक प्राइवेट कंपनी में ही पीए का जॉब करती थी, सरकारी जॉब का भी प्रिपरेशन ले रही हूँ। खाने के बाद उसकी माँ ने मेरे पेरेंट्स का डिटेल एक डायरी में लिखने को कहा था जो मैंने लिख दिया था, लेकिन उसकी माँ ने फिर मुझे गले लगा लिया था। शायद उसकी माँ यह सुनकर खुश हुई थी कि मेरे पापा पुलिस वाले हैं, वरना वह तो मुझे क्रिमिनल ही समझ रही थी। वापस जाते वक्त राजीव ने कहा मेरी माँ की बातों का बुरा नहीं मानना, वह बेचारी बहुत डरी रहती है, मेरे अलावा और उनका कोई भी नहीं है। मैंने मुस्कुराकर कहा राजीव मैं समझ सकती हूँ पर आज मैं तुमसे एक वादा करती हूँ, कभी भी मौत तुम्हारे करीब आए उससे पहले वह मुझे छुएगी, अपनी जान पर खेल कर भी मैं तुम्हारी जान बचाऊंगी। मेरी बात सुनकर
अचानक राजीव इमोशनल हो गया और अपने आप को रोक न पाया। उसने मेरे होठों में होठ डालकर किस करने लगा था। मैं बहुत घबरा गई और मैं तुरंत ही राजीव को अपने से अलग कर दिया। मैंने कहा, क्या कर रहे हो राजीव, यह सही नहीं है, मैं तुम्हारी एम्प्लॉय हूँ। फिर मेरी धड़कनें बहुत तेज हो गई थी, मेरा चेहरा बिल्कुल सूख गया था। राजीव ने उस वक्त मुझे छोड़ दिया था, लेकिन घर आने के बाद ही उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। कहा, कोमल मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, क्या करूँ, मेरे होठों में होठ डालकर जोरदार किस करने लगा था। मैंने कहा, देखो राजीव ऐसा मत करो, यह सही नहीं है। उसने कहा, मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है, मैं जिस लड़की की तलाश कर रहा था वह तुम ही हो, मुझसे शादी कर लो। उसके बाद ही मैं शादी के लिए हाँ कर दी थी, पर आज अस्पताल में मैं जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रही थी। जब मुझे होश आया तो मैं एक प्राइवेट वार्ड में थी। नर्स मुझे देखते ही कहा, मैं अभी राजीव को बुलाती हूँ। मैंने देखा सूट में राजीव साइड में सो रहे हैं। मैंने कहा, नर्स मेरे पति को मत उठाइए, उन्हें आराम करने दीजिए। नर्स ने कहा, उन्होंने कह रखा है आपको होश आते ही उन्हें उठा दूं। मैंने कहा, कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद उठा देना। वह मेरा चेकअप करने लगी थी और फिर मेरा खाना भी मंगवा दिया था और होले होले मुझे खाना खिलाने लगी थी। घड़ी देखा तो शाम के 5 बज रहे थे, शायद मैं कल रात से ही बेहोश थी। एक दिन बीत गया था, मेरा सुहाग रात तो इस अस्पताल में ही गुजर गया और अब मैं कल की रात के बारे में सोचने लगी थी। नर्स से कह दिया था कि कोई जरूरत होगी तो मैं तुम्हें बुला लूंगी। नर्स वहां से चली गई थी। थोड़ी देर बाद राजीव की नींद खुली तो वह तुरंत मेरे पास आ गए और मेरा हाथ थाम कर कहने लगे, तुम्हें कब होश आया, मैं तो नर्स से कह रखा था कि मुझे नींद से उठा दे, फिर उसने मुझे जगाया क्यों नहीं। मैंने कहा, राजीव परेशान ना हो, मैंने ही उसे मना किया था कि आपको सोने दे, आप न जाने बेचारे कब से नहीं सोए होंगे। उसकी आंखों से आंसू आ गया। कहा, तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों तुमने मेरे लिए अपनी जान खतरे में डाली। तब तक पुलिस वाले भी अंदर आ चुके थे, अब मेरा बयान लेना चाहते थे। चादर में जो खून गिरा था वह खून मेरी पवित्रता की निशानी नहीं थी, बल्कि मुझे गोली लगी थी। जब राजीव मुझसे प्यार कर रहा था उस वक्त कमरे में हमलावर आ गया था। पूरा फ्लोर राजीव का था तो उसने दरवाजा भी बंद नहीं किया था, क्योंकि कोई भी कमरे में बिना इजाजत नहीं आता था। हमलावर जान पहचान का था, इसलिए सिक्योरिटी वाले भी उसकी तलाशी नहीं ली थी। उन्हें लगा था कि थ्रेट बाहर से आ रहा है। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अंदर के ही आदमी का ही इसमें हाथ होगा। राजीव मेरे ऊपर चढ़ के मुझसे प्यार कर रहा था, तभी मेरी नजर सामने हमलावर पर पड़ी। उसके हाथ में बंदूक था। मैंने तुरंत ही राजीव को अपने ऊपर से धक्का मार दिया था ताकि गोली उसे ना लगे, और मैं तकिए के नीचे से अपनी रिवॉल्वर निकाली थी। दो गोलियां साथ चली थी, एक मुझे लगी थी और दूसरी उसकी सौतेली माँ थी, उसे लगी थी। पुलिस वालों ने बताया कि उसकी सौतेली माँ की मौत हो चुकी है। मैंने पुलिस वालों को बताया कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ और राजीव की हिफाजत की ड्यूटी मुझे लगाई गई थी, क्योंकि पुलिस को शक था कि हमलावर बाहर का नहीं बल्कि घर के अंदर से ही कोई है। राजीव की सौतेली माँ उसके पापा की दौलत हासिल करने के लिए उनसे शादी की थी, लेकिन अब सब कुछ राजीव के नाम होने जा रहा था, जिस वजह से उन्होंने राजीव को मारने की कोशिश की थी। दरअसल वह नफरत की आग में हम दोनों को ही मार देना चाहती थी ताकि सारी जायदाद उसकी बेटी को मिल जाए। ऐसा नहीं था कि उसकी बेटी को कुछ नहीं मिला था, उसके पापा ने काफी सारी पैसे और एक बड़ा सा मकान, कुछ शेयर उसकी बेटी के नाम भी कर रखा था, लेकिन बाकी सब कुछ राजीव के नाम में करना चाहते थे। जब राजीव को पता चला कि मैं सीक्रेट एजेंट हूँ, उसकी हिफाजत के लिए यहाँ आई थी, तब उसे समझ आ गया था कि क्यों मैंने उसके ऊपर लगने वाली गोली खुद पर ले ली थी। मैं तो बस अपनी ड्यूटी कर रही थी, लेकिन उसके बाद से मैंने यह जॉब छोड़ दी थी और राजीव का बिजनेस में मदद करने लगी थी। राजीव के पापा ने उसकी असली माँ को घर लेकर आ गए थे, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। एक धोखेबाज औरत के चक्कर में पड़कर उसने अपने प्यार करने वाली पत्नी को अपने से अलग कर दिया था। यही थी हमारी कहानी ऐशा मिशन, जिसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी थी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर ले। थैंक यू।